हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आजकल फ्रेंड्स ऑटिज़म एडीएचडी में बेसिकली ऑटिज़म में जो सबसे कॉमन सिम्टम देखा जाता है वो होता है टीथ ग्राइंडिंग। बच्चा गुस्से में भी ऐसे ऐसे करके टीथ ग्राइंड करता है, रात में भी कर सकता है, और थोड़ी थोड़ी देर में जब भी आप उसको एक्टिविटी कराए होंगे तो एंग्जाइटी से उसकी टीथ ग्राइंड होगी, वो ऐसे करके टीथ ग्राइंड करेगा। और इन केसेस में अक्सर हम बच्चों को वॉर्म्स की दवाई तो उनको देनी चाहिए कि हर 6 महीने में 1 साल में वॉर्म्स की एल्बेंडाजोल प्लस आपने दी, लेकिन इन ये वाले जो बच्चे होते हैं ठीक है, इसमें कोई वॉर्म्स की वजह से टीथ ग्राइंडिंग नहीं होती बल्कि एंग्जाइटी से होती है। कुछ भी आप न्यू एक्टिविटी कराओगे सो ये बन जाता है एक बिहेवियरल डिसऑर्डर। दो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की बात करेंगे जिससे टीथ ग्राइंडिंग खत्म होगी बच्चे की। देखिए, एक तो ये दोनों होंठ के इधर जहाँ पे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जाता है, आप देखिए ऐसे च्यू करके देखिए जहाँ पे मूवमेंट फील हो रही है फ्रेंड्स, ये ठीक है, ये वाला जस्ट पॉइंट है हमारा ST6 पॉइंट है ना, इस पर सर्कुलर मोशंस में मसाज करनी है ठीक है, 2 से 3 मिनट क्लॉकवाइज और 2 से 3 मिनट एंटी क्लॉकवाइज। और फ्रेंड्स इस पॉइंट को जितना हो सके आप दबा सकते हैं, जितना प्रेस करेंगे इस पर प्रेशर डालेंगे 30 सेकेंड्स के लिए दिन में 3-4 बार, तो टीथ ग्राइंडिंग में बहुत जल्दी आपको फ़ायदा मिलेगा, बच्चा टीथ ग्राइंडिंग करना बंद कर देगा। और जो सेकेंड पॉइंट है वो है LI4 पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट है वो यूनियन वैली पॉइंट जो मैं बहुत सारी वीडियोस में बताती हूँ। यहाँ पर ये जो गैप है इसमें 30 सेकेंड्स तक प्रेस करना है दिन में 4 से 5 बार, और आप इसमें चना दाल लगा के छोड़ सकते हैं। तो आज हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस किए टीथ ग्राइंडिंग में, जिस जिस बच्चे को भी दिक्कत आ रही है उसके पेरेंट्स लग जाएं और गोल ओरिएंटेड वर्क करके अपने बच्चों को इम्प्रूव कर लें। होप यू लाइक माई वीडियो, स्टे सेफ स्टे हेल्दी।